अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसने कभी पिस्टल को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही कभी गोली चलाई, लेकिन फिर भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उन्हें बादशाह कहा जाता था और पूरी मुंबई पर सिर्फ उन्हीं का राज चलता था। नमस्कार, मैं हूं सायमा और आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। हाजी मस्तान लोगों के लिए मसीहा और अंडरवर्ल्ड के डॉन, बस यही थी हाजी मस्तान की पहचान। अंडरवर्ल्ड के डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान की ईमानदारी के उस वक्त लोग कायल हुआ करते थे। जो भी चीज मुझ पे लगाते हैं, जो चीज भी मुझ पे बोलते हैं, वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो वो जवाब दें। मस्तान मिर्जा, अंडरवर्ल्ड में जिसे लोग हाजी मस्तान के नाम से जानते हैं। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को हुआ था। साल 1980 के जून महीने का एक दिन बंबई के सबसे अमीर इलाकों में से एक पैडर रोड के एक बंगले में एक काली मर्सिडीज कार निकलती है। उस समय तेज बारिश हो रही थी। कार को गेट से बाहर जाते उस बंगले की बालकनी पर खड़ा एक शख्स देख रहा था। वो थोड़ा परेशान भी लग रहा था। उसने अपने सफेद कुर्ते की जेब में रखे 555 सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और सुलगा ली। 2 घंटे और 7 सिगरेटों के बाद वही मर्सिडीज कार वापस उसके घर के गेट में घुसती दिखाई देती है। कार के ड्राइवर ने तेज बरसात होने के बावजूद लपक कर उस कार का पीछे का दरवाजा खोला। कार से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला उतरती है। उस महिला का नाम था जेना बाई दारूवाली और उस घर के मालिक का नाम था हाजी मस्तान। जैनबाई अंडरवर्ल्ड की एक प्रमुख महिला थी और पुलिस की खबरी भी मानी जाती है। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर चर्चित किताब डोंगरी टू दुबई के लेखक एस हुसैन जैदी के मुताबिक मस्तान जैनबाई को अपनी बहन की तरह मानते थे और कई मुश्किल मसलों पर उनकी सलाह भी लिया करते थे। उस दिन भी उन्होंने जैनबाई को इसी काम से बुलाया था। खाना खाने के बाद हाजी मस्तान ने जैनबाई से कहा कि मध्य मुंबई में बेला सीस रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी है जिस पर गुजरात के बनासकांठा जिले के चिलिया लोगों ने कब्जा किया हुआ है। करीम लाला ने मेरे कहने पर उनको वहां से हटाने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे, लेकिन चिलिया लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। ये सुनने के बाद जैनबाई ने एक कलम और कागज मंगवाया और कागज पर एक लकीर खींचकर मस्तान से बोली, क्या तुम इस लकीर को बिना छुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने कहा, आपा, मैंने आपको एक गंभीर मसले पर सलाह करने के लिए बुलवाया है और आप मुझसे पहली हल करवा रही हैं। जैनबाई हंसते हुए बोली, तुम्हारी इस समस्या का हल इसी पहली में छुपा हुआ है। मस्तान ने अपना माथा पकड़ते हुए पूछा, वो कैसे? जैनबाई ने फिर कलम उठाई और उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींचते हुए बोली, ऐसे। इस लकीर को बिना छुए छोटा किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने मस्तान को समझाते हुए कहा कि तुम एक बड़ी ताकत बन जाओ जो कि चिलिया लोगों की ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। मस्तान ने पूछा, ये कैसे संभव है? जैनबाई ने कहा, तुम पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह करवाओ और फिर ये दोनों मिलकर तुम्हारा काम करेंगे। जैसा जैनबाई ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मस्तान ने अपने निवास बैतुल सुरूर पर आपस में लड़ रहे बंबई के गैंग्स की बैठक बुलाई और दोनों पक्षों को कुरान का हलफ दिलाकर और खून खराबा ना करने के लिए मना लिया। समझौता कराने के बाद मस्तान ने अपनी समस्या उन लोगों को बताई। पठानों और दाऊद के गैंगों ने मिलकर चिलिया लोगों को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसी जमीन पर हाजी मस्तान ने एक ऊंची इमारत बनवाई और उसका नाम रखा मस्तान टावर। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुटुलोर जिले में जन्मे हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में ही बंबई आए थे, जहां उन्होंने पहले क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की एक दुकान खोली और फिर 1944 में वो बंबई डाक में कुली हो गए। वो जमाना तब का था जब भारत में आए सारे अरबी उर्दू बोला करते। गालिब ने मस्तान से कहा, अगर वो अपनी पगड़ी या गमछे में कुछ घड़ियां और सोने के बिस्कुट बाहर ले जाएं, तो वो उन्हें इसके बदले में कुछ पैसे देंगे। धीरे धीरे वो उस
अरब के खासम खास हो गए और वो उन्हें कमाई का 10% हिस्सा भी देने लगा। तभी अचानक गालिब को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मस्तान ने उसकी तरफ से सोने की कुछ बिस्कुट बक्से की डिलीवरी की। मस्तान ने उस बक्से को अपनी झोपड़ी में छिपा दिया। 3 साल बाद जब गालिब जेल की सजा काट कर वापस लौटा, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मस्तान गालिब को मदनपुर की एक झोपड़ी में ले गए, जहां उन्होंने वो सोने के बिस्कुट से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाया, जो अभी तक हाजी मस्तान ने खोला तक नहीं। गालिब सोने के बिस्कुटों से भरा बक्सा देखकर अवॉक रह गया और गालिब ने पूछा, अगर तुम चाहते तो इन बिस्कुटों को लेकर फरार हो सकते थे। लेकिन मस्तान ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि तुम हर किसी से बच सकते हो, लेकिन ईश्वर से कभी नहीं। ये सुनते ही गालिब की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं इस बक्से को तभी स्वीकार करूंगा अगर तुम इसको बेचकर मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा मुझसे लोगे और इस पेशे में मेरे पार्टनर बन जाओ। मस्तान ने इसके जवाब में अपना हाथ गालिब के आगे बढ़ा दिया। सोने के बिस्कुटों के इस बक्से ने हाजी मस्तान की जिंदगी बदल दी और वो रातों रात लखपति बन गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तस्करी को ही अपना पेशा बना लिया। मस्तान की इज्जत में और इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मझगांव डाक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खान की पिटाई करवा दी। मशहूर फिल्म दीवार में भी इसी दृश्य को फिल्माया भी गया है। बंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने कभी खुद पिस्टल नहीं पकड़ी और ना ही अपने हाथ से कभी गोली चलाई। उन्हें जब भी ऐसे किसी काम की जरूरत हुई तो उन्होंने दूसरे गैंगस्टर वर्द राजन मुदालियार और करीम लाला का सहारा लिया। एक बार वर्दा को कस्टम डॉक इलाके से एंटीना चुराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस वालों ने कहा कि अगर उसने चोरी के माल को बरामद नहीं करवाया तो उसकी पिटाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वर्दा आजाद मैदान लॉकअप में ये सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी एक सफेद सूट पहने शख्स जिसकी उंगलियों में 555 की सिगरेट फंसी हुई सीधे सिक्चों की तरफ आगे बढ़ता है, उसे किसी पुलिस वाले ने भी नहीं रोका। मस्तान ने वर्दा के बिल्कुल नजदीक आकर तमिल में कहा, वड़क्कम थलायवार, यानी नमस्कार मेरे मालिक। वर्दराजन मस्तान का यह संबोधन सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इज्जतदार सेठ उस जैसे गुंडे को इतनी इज्जत देगा। मस्तान ने उसे तमिल में कहा, चुराए हुए माल को वापस कर दो, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि तुम बहुत पैसा कमाओगे। वर्दा इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाया। वर्दा को जेल से तुरंत रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो मस्तान के सभी काम करने लगा। 80 का दशक आते आते मस्तान की ठसक में काफी कमी हो गई थी, क्योंकि अब दूसरी ताकतें उभरने लगी थी। हाजी मस्तान मुंबई की फिल्म दुनिया से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने न सिर्फ कई फिल्में बनाई बल्कि एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री से शादी भी कर ली। दरअसल मस्तान अपनी जवानी के दिनों में मधुबाला के दीवाने हुआ करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन तब तक मधुबाला का निधन हो चुका था। दिनों मुंबई से मधुबाला जैसी दिखने वाली एक अभिनेत्री काम कर रही थी, उसका नाम था वीड़ा शर्मा उर्फ सोना। मस्तान ने उन्हें शादी का पैगाम भिजवाया, जिन्हें उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोना के लिए जुहू में घर भी खरीदा था, बाद में वो इसी में रहने लगे थे। हाजी मस्तान की पहली पत्नी से उन्हें 3 बेटियां थीं और बाद में उन्होंने एक शख्स सुंदर शेखर को गोद भी लिया था। 1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को पहली बार मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया था। 1975 में आपातकाल के दौरान भी हाजी मस्तान को जेल में ही रखा गया। उस समय चोटी के क्रिमिनल वकील राम जेठामली की सेवाएं लेने के बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। जेल से छूटने के बाद उनकी जयप्रकाश नारायण से मुलाकात हुई और इसी वजह से उनका राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ और उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक पार्टी बनाई, लेकिन ये पार्टी कुछ खास काम नहीं कर सकी। हर अपराधी एक स्टेज के बाद सफेद पोश बनने की तमन्ना रखता है। हाजी मस्तान भी इसके अपवाद नहीं थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसके बारे में उनकी सोच थी कि वो एक दिन शिवसेना का स्थान ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 9 मई 1994 को 68 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
हमेशा फिल्मी हस्तियों के इर्द गिर्द घूमने वाले मस्तान की मौत पर सिवाय मुकरी के किसी फिल्मी हस्ती ने उनके घर पर जाकर शोक तक व्यक्त नहीं किया। उस वक्त हाजी मस्तान के सभी लोग दीवाने हुआ करते थे। हर कोई उनकी तरह सफेद पोश कपड़ों में नजर आना चाहता था। आज के एपिसोड में हमने आपको बताई अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की कहानी। ऐसी आपराधिक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम दोपहर।